अलीगढ़ प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। बाबरी मंडी पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया। प्रदर्शन के दौरान कई घंटों से जारी है पथराव। जी हां, प्रदर्शन में रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान भी घायल। एडीजी आगरा जोन मौके पर पहुंचे। उपद्रव के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल। ये तस्वीरें आप देखिए। और अब जो खबर आ रही है बड़ी, वो ये कि दो पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया उपद्रवियों ने। एडीजी आगरा जोन यहां पहुंच चुके हैं। तो लगातार दिन भर से ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि स्थितियां और बिगड़ी हैं। प्रदर्शन कई घंटों से जारी है, पथराव कई घंटों से जारी है। प्रमोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद। प्रमोद, ये बताइए कि अभी ऐसा लग रहा है कि स्थितियां और बिगड़ी हैं, दो पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया, ये खबरें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में लगातार पिछले 5 बजे बवाल स्टार्ट हुआ था। 5 बजे से अभी तक लगातार बवाल चल रहा है और इस दौरान एक यह बाबरी मंडी पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी के अंदर दो पुलिस कर्मी जो है उन्हें बंधक बना लिया। बाहर से लगातार पथराव फायरिंग बवाली कर रहा है और अभी एडीजी आगरा या खुद पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में ही। इसके अलावा पुलिस फोर्स के जो आला अफसर है वो पहुंच रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। बहुत ही जल्दी उन्हें बाहर निकाला, सकुशल बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा लगातार जो लोग हैं पथराव फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले चला रही है। जी, तो अभी तक ये स्थितियां सामान्य क्यों नहीं हुई है, ये जानना चाहेंगे आपसे। क्या पुलिस फोर्स वहां पर कम है संख्या में? देखिए, आरएएफ पीएसपी के अलावा सिविल फोर्स के जवान भारी तादाद में मौजूद है, मगर बात अगर सामान्य की जाए तो परेशानी की जो सबसे बड़ी बात है, ये पुराना शहर अलीगढ़ है और यहाँ जो गलियां हैं काफी पतली पतली गलियां हैं, जहाँ पुलिस की कार यानी कार भी नहीं जा सकती, छोटी से छोटी, और ऐसी गलियां हैं जिनसे केवल रिक्शे और ऑटो ही जा सकते, रिक्शे और बाइक ही जा सकती है। तो उन गलियों में पुलिस को जाना बड़ी परेशानी की। अच्छा, उसके अलावा जो गलियां हैं, गलियों में जो भवन बने हुए हैं वो 3 से 4 मंजिल भवन बने हुए हैं, तो पुलिस अगर आंसू गैस के गोले भी चलाए कुछ भी करे, ऊपर से 1 मिनट में कोई ना कोई पथराव पत्थर फेंक देता है और उन गलियों में निकलना पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और उसी के चलते देखिए लगभग कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा एक युवक को भी गोली लगी है और एक दूसरा युवक है उसे भी, यानी कई लोग घायल है और पुलिस उन्हें बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है जिस तरीके से वो चौकी में बंद है। सवाल फिर वही है, देखिए जिस तरीके से महिलाएं बिना परमिशन के या बैठने के बाद विरोध प्रदर्शन करती रही और जैसे ही दिल्ली के जाफराबाद में ये बवाल हुआ उसी की आग यहाँ अगर पनप गई और यहाँ पथराव फायरिंग लगातार पथराव महिलाओं ने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो युवक थे, युवकों ने भी मुंह पे डायरा बांध के लगातार वो फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा करीब 2 बाइक और बाइकों के अलावा एक दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया है। जी जी, और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है अगले 12 घंटों के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी की बात की जाए तो अभी जिलाधिकारी चंद्रभूषण ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इंटरनेट सेवा जो है वो 12 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। देखना यह है कि जिस तरीके से जो हालात है शहर के काफी नाजुक हालात बने हुए हैं और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, बावजूद लगातार पथराव फायरिंग चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं और बोतलें भी फेंकी जा रही है। जी जी, और एडीजी आगरा जोन साहब यहां पहुंच चुके हैं। मुझे ये बताइए कि लगातार ये मशक्कत पुलिस की जारी है, वहां से आपने कहा पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, किसी शख्स की कोई शिनाख्त हुई है, कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया? देखिए अभी तक हिरासत की बात की जाए तो कोई भी हिरासत में नहीं लिया गया। दूसरा पुलिस के लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ जो पुराना शहर है यहाँ गलियां पतली पतली और गलियों में से गलियां, यानी एक गली में आकर पुलिस फोर्स के जवान घुसते हैं, उन्हें दौड़ाकर आते हैं तो पीछे वाली गली से दूसरी तरफ सफा फायरिंग लगातार स्टार्ट हो जाता है। तो पुलिस के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखना यह है कि ये विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से लगभग 5 बजे से चल रहा है तो ये कब तक और चलेगा। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को समझा रही है लाउड स्पीकर के माध्यम से, तमाम प्रयास कर रही है, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जो है वो कहीं भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे और अभी भी पथराव लगातार चल रहा है पूरे ऊपरकोट क्षेत्र में। जी।